बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल ट्रांसमिशन में एक दफ़ा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रात के इस पहर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 में खेले जाने वाले मैचेस के हवाले से। और जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 का पहला क्वालिफायर मैच खेला जा रहा है कि जहाँ पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी की टीमें एक दूसरे के मद्दे मुकाबले हैं और यहाँ पर मुल्तान सुल्तान की टीम डोमिनेट करती नज़र आ रही है कि जिसको इस मैच में 147 रन का हदफ मिला कामयाबी हासिल करने के लिए। अब देखना यह होगा कि यहां पर मुल्तान सुल्तान की टीम आया इस टारगेट को चेस करने में कामयाब हो सकेगी या फिर पेशावर ज़ल्मी के बॉलर उनको रिस्ट्रिक्ट करने में कामयाब हो जाएंगे। आज के शो में हम ना सिर्फ इस क्वालिफायर के हवाले से बात करेंगे बल्कि साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी दीगर खबरों के हवाले से भी बात करेंगे। और यह हो नहीं सकता कि जब PSL की बात हो, पाकिस्तान क्रिकेट की बात हो, तो फिर जो है वह इंडियन क्रिकेट और IPL की बात ना हो। तो आज बहुत सारे मुद्दों को हम टच करेंगे क्योंकि आज हमारा बहुत ही जबरदस्त और ओवरलोडेड हमारा आज का पैनल है। उम्मीद है कि जब पैनल के साथ आपको तारुफ कराएंगे तो आपको यह पैनल पसंद भी आएगा, लेकिन सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया कि इस वक्त मुल्तान सुल्तान और ज़ल्मी के दरमियान मैच है जारी है। 146 रन स्कोर किए पहले बैटिंग करते हुए पेशावर ज़ल्मी ने, बैटिंग जो है वो इस वक्त कोलैप्स जो है वो कर चुकी है, लेकिन इस वक्त 44 रन बना लिए जवाब में मुल्तान सुल्तान ने और 6 ओवर का खेल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। तो इस वक्त बड़ी मजबूत कंटेंडर है मुल्तान सुल्तान इस मैच में कामयाबी के लिए कि मुल्तान सुल्तान इस मैच को जो है वो अपने नाम कर सकती है। आज जो हमारा एक्साइटिंग पैनल है, पहले उसका तारुफ आपसे कराते चले कि आज हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत के जिन्होंने आज ही के दिन पाकिस्तान के लिए अगेंस्ट श्रीलंका लाहौर में 74 रन की इनिंग खेली और ये वो टेस्ट मैच था कि जहां पर अशरफ अली जैसे विकेट कीपर का डेब्यू हुआ। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स मोहसिन हसन खान साहब। सर को शो में खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, पहली बात तो बहुत शुक्रिया, आप जो कुछ चीज़ें याद दिलाए थे, यकीन कीजिए मुझे वो चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत शुक्रिया सर। आपने पाकिस्तान के लिए सर्विसेज इतनी दी हैं कि याद रखना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। इनके साथ जो दूसरी शख्सियत है मौजूद हैं, आप इनको कल भी आपने इनको हमारे शो में देखा, बहुत ही ज़बरदस्त बोलती हैं, शुस्ता बोलती हैं और साथ साथ FM 101 की बड़ी ज़बरदस्त और मकबूल जो है वो स्पोर्ट्स RJ भी हैं। और इसके अलावा जो इनका यूट्यूब चैनल है वो भी आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता वो चैनल भी जो है वो ग्रो अप हो रहा है। एनुज़ैन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एन। जी वालेकुम अस्सलाम और बेहद शुक्रिया, आप इतना अच्छा इंट्रोडक्शन करवाते हैं, हमेशा के दिल खुश हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है, गार्डन गार्डन हो जाता है। और जो तीसरी शख्सियत मौजूद है, इनसे दिल गार्डन गार्डन तो मेरा हरगिज नहीं होता, लेकिन बहरहाल इनके आने से हमारा शो जरूर सज जाता है, मेरे दिल के बहुत ही करीब है। लोग ये समझते हैं कि जो है मेरा इनका कुछ जो है सुल्तान राही और मुस्तफ़ा कुरैशी वाला मामला, ऐसा हरगिज नहीं है। लड़ाई होती है हमारी इशूज़ के ऊपर होती है, लड़ाई होती है हमारी क्रिकेट पर होती है, लड़ाई होती है हमारी बाबर आजम और विराट कोहली पर होती है। विराट कोहली की ये नाजायज तारीफें करते हैं मेरी दानिश में और इनकी दानिश में, मैं बाबर आजम की जो है वो गलत तारीफें करता हूँ। खैर रज़ा हफ़ी साहब मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। और आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं उसकी बुनियाद क्रिकेट है और यकीनन ये ऐसा मज़ेदार खेल है अली, इख्तिलाफ़ भी होता है और मोहब्बत भी बढ़ती जाती है इसके अंदर, जितना आपसे इख्तिलाफ होता है उतनी मोहब्बत भी तो बढ़ रही है, ये भी तो देखे हम। वैसे भी आजकल आपका जो मन है वो विराट कोहली पे ही तवक्कल किया हुआ है। हाँ, विराट कोहली पे तवक्कल किया हुआ। नहीं अली, मैं आसमान पे आसमान से देख रहा हूँ और आप फिर ज़मीन से ऊपर देखने की कोशिश कर रहे हैं और जमीन और आसमान को मिलाया नहीं जा सकता। मतलब आपने ये बात साबित कर दी कि आप आसमान से विराट कोहली को नीचे देख रहे हैं, मैं बाबर आजम को जमीन से ऊपर देख रहा हूँ। तरक्की करके ऊपर जाएगा ना, आप ऊपर अभी आप नीचे से ऊपर देख रहे हैं। मतलब सर आप खुद ही तो कह रहे हैं मैं आसमान से नीचे देखते हैं, आप विराट कोहली को नीचे देख रहे हैं, मैं बाबर आजम को नीचे से ऊपर देख रहा हूँ। मैं आसमान से देख रहा हूँ तो नीचे देखेंगे ना आप, नीचे आसमान से भी ऊपर देखेंगे आप, जिसके साथ खड़े नीचे ही नजर आ रहे हैं। ऑल राइट है जनाब, ये तो चलचल हमारे साथ चलता रहेगा, लेकिन अब तक मैच में क्या हुआ मोहसिन भाई से आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे इस मैच की समरी पर कि जनाब इस मैच में हुआ क्या। दिखाइए जनाब अब तक की जो समरी है कि क्या रहा जनाब इस मैच में, और आपके सामने स्क्रीन पर यह समरी है कि जहां पर इस मैच में अब तक 20 ओवर में 146 रन स्कोर किए 7 विकेटों के नुकसान पर। बाबर आजम ने 42 गेंदों पर 46 रन की इनिंग खेली, इसके अलावा कैडमोर ने जो है 24 रन बनाए और मोहम्मद हारिस ने 22 रन की इनिंग खेली। उसामा मीर बड़े इकोनॉमिकल भी रहे, विकेट टेकर भी रहे, 16 रन के बस 2 विकेटें हासिल की और 2 विकेटें जॉर्डन ने भी हासिल की और 1 विकेट जो थी वो मोहम्मद अली के हिस्से में आई। तो इस तरह इस पहले प्ले ऑफ मैच में 147 रन का हदफ मिला है और मेरी जो प्रोडक्शन टीम है उसके मुताबिक अब तक 46 रन स्कोर कर लिए मुल्तान सुल्तान ने और राइट बिहाइंड द टारगेट है। मोहसिन भाई, कल आपने ये बात कर दी थी कि पिच जो है वो अच्छी बननी चाहिए और पिच अगर अच्छी नहीं बनी तो फिर जो है वो स्ट्रगल करती हुई टीमें नजर आएंगी, और आज आपने देखा पिच का कसूर था या अच्छा नहीं खेली पेशावर ज़ल्मी? बिल्कुल भी पिच का कसूर नहीं था,
उसने 42 रन किए ना बाबर ने, 42 पे 46 रन किए ना, और उसको जिस बॉल ने आउट किया है वो प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बॉल है, शॉर्टर वर्जन की, केन स्विंग डिपिंग यॉर्कर, जिसके लिए वो अगर अच्छे से अच्छा बैट्समैन आउट हो जाता है तो बहरहाल अच्छे बॉल ने आउट किया तो नो प्रॉब्लम। भाई आर यू ब्लेम, अब साहिम अयूब है, साहिम अयूब पिच की वजह से आउट हुआ, भले शॉट खेल के देख रहा फील्डर तो खड़ा उठा के मार दिया। और मैं यही कह रहा हूँ कि ये मौके होते हैं, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है नए लड़कों के लिए, साइम अच्छी तरह ऊपर आ रहा है या दूसरे जो भी बैट्समैन अपने हैं, कि इन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें। दुनिया देख रही है अब क्या है, PSL की तरफ सबकी नज़र आ गई है, बिल्कुल फिनिशिंग लाइन की तरफ जा रहा है और इंटरेस्टिंग भी हो रहा है माशाल्लाह। तो यहाँ पे अब मैंने जैसे कहा उसने 42 बॉलों पे 46 रन किए, आउट हुआ तो बहुत अच्छी बॉल पे आउट हुआ, गंदा शॉट मार के नहीं आउट हुआ। आपको तो ओवर खेलने की पूरी प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी मेरी गलती किसकी है? जब देखिए अगर आप स्कोर कर रहे हैं उस पिच के ऊपर और मैं नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझ में कोई गलती है, ठीक है, मैं अपनी मेरी टेक्निक गलत है या मेरी अप्रोच गलत है। तो इस चीज़ को देखते हुए अब जैसे मैंने फौरन आपको साहिम की मिसाल दी, यंग लड़का है माशाल्लाह, फुल ऑफ टैलेंट, क्या प्लेयर है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा प्लेयर बनेगा, बट क्या किया, उठा के मारा, फील्डर है वहीं पे स्क्वायर डीप स्क्वायर लेग पे आउट हो गया। तो ये चीज़ें अब यहाँ, अगर मैं एक और कहूँ, अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो थोड़ा सा मॉइस्चर है तो आप हमेशा संभाल के ले जाते हैं शुरू के 6-8 ओवर, उसके बाद स्लोली इनके, वो कहते हैं ना स्लोली स्लोली कैच द मंकी, ऐसे आप आराम से उठते हैं ऊपर की तरफ और जाके आप पता लगा आपने 170-180 लगा दिया। तो ये चीज़ें थी जो उनकी टीम में मुझे मिसिंग नजर आई। वैसे भाई जब आप खेलते थे या उस वक्त जो ट्रेडिशनल क्रिकेट होती है पुराने जमाने में जो खेलते थे, पुराने तो मैं गलत कह रहा हूँ शायद, लेकिन आपके दौर की जो क्रिकेट होती थी उसमें होता था परफॉर्मेंस दो। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं प्लेयर के जहन में ये चीज़ें, 3 छक्के मारो, सुथरे मारो, अच्छे मारो और जो मीडिया की हाइप ले लो और फेम हासिल कर लो, इजी फेम इजी मनी कम वक्त में हासिल कर लो। देखिए यही जो मैं, बिल्कुल आपने बड़ी अच्छी बात कही, यही बात मैं कह रहा हूँ, अगर मैं कैप्टन हूँ ना तो मैं साहिम जैसे प्लेयर से, साहिम को नहीं, साहिम जैसे अपकमिंग प्लेयर को मैं बोलूँगा मुझे तुम्हारे से 10 से 15 रन नहीं चाहिए एक ओवर में, मुझे तुमसे चाहिए 70-80-90-100 जाके तुम ऐसे करके जाओ टीम को लेके साथ चलो। तो अब अगर आप उल्टा सीधा शॉट में, अगर आई टेल यू व्हाट, हम जो क्रिकेट खेल रहे थे और जब हम बात, आप हमारी बात करते हैं, अभी इस वक्त कमेंट्री कौन कर रहा है, जेफरी बॉयकॉट एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहा है 2020 पे और सबसे ज़्यादा सराहा जा रहा है कि बिल्कुल सही बात कर रहा है। देखिए 2020 क्रिकेट हो या वन डे हो या से 20 साल पहले, सुनील गावस्कर कमेंट्री करता है 2020 की, जो कि टेस्ट प्लेयर का माना हुआ प्लेयर है, क्रिकेट की समझ होना चाहिए। रमेश राजा भी कर रहे हैं, रमेश राजा तो इतना पुराना तो नहीं है ना, तो हम, मैं जब नया नया था जब आया था, जब मैं क्रिकेट छोड़ने लगा था बिल्कुल उस वक्त, तो कहने का मतलब है, लेकिन मैं बता रहा हूँ जेफरी बॉयकॉट की बात, उसको स्पेशली बुला के कॉमेंट्री करवाई जा रही है। सुनील गावस्कर करता है वर्ल्ड कप में, आप देखिएगा वो कर रहा होगा, क्यों, बिकॉज क्रिकेट की समझ है। तो चाहे 2020 हो, वन डे हो या वो, और ये है ना वो क्या है क्रिकेट को क्या बोलते हैं, मॉडर्न क्रिकेट, नहीं हाँ मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है यार, खुदा का वास्ता। अब मैंने आपको एक दफा बता चुका हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ नाज़रीन के लिए, आपको पता है क्रिकेट में चेंज कहाँ आया था, क्रिकेट में चेंज लाया कैरी पैकर, जिसने वाइट बॉल इंट्रोड्यूस किया, जिसने कलर्ड क्लोथिंग इंट्रोड्यूस किया, ये आया था रेवोल्यूशन, ये नहीं आया था अब जो कुछ नए शॉट। अभी क्रिकेट में चेंज क्या आई है, बैट्समैन ने रिवर्स स्वीप, पैडल स्वीप, ओवर द स्कूप, ये मारना शुरू कर दिया है। इसके अलावा मुझे चेंज बता दें आप, और जहां देखें आप गलत क्रिकेट खेल, कहते हैं ना बैट पावर प्ले सर्कल बैट अच्छे बैट, आपके दौर में तो 3-3 दिन तो नॉकिंग होती थी, फिर वो बल्ले को तेल भी पिला के रखते थे। नहीं नहीं आप बात कर रहे हैं 1940s की, नहीं सर 3-18, अब तो बैट खरीदो सीधा मैच उतर जाओ। नहीं नहीं हमारे क्या है, हमारे पास तो सारा कुछ ये था, अब ये जिस जमाने में आज के लोग खेल रहे हैं उस, मैं यहाँ एक और बात क्लियर कर दूँ, मेरे पास 3 बैट्स होते थे, 3 मतलब जो खास, एक लाइट वेट होता था, एक थोड़ा मिडिल वेट और एक हैवी वेट। तो मैं जब इनिंग शुरू करता था तो लाइट हल्के बल्ले से, फिर मीडियम पे आ जाता था, फिर हैवी पे आ जाता था, इस तरह लड़के इस्तेमाल करते, तो बनना ये सब शुरू हो गया था। मैं और मैं आपको बता रहा हूँ कैरी पैकर किस साल में हुई थी, अगर मैं गलत नहीं हूँ 78 की थी लेट 76 77 ऐसी टूर था। कैरी पैकर ने रेगुलेशन लेके आया, वाइट बॉल लेके आया, कलर क्लोथिंग लेके आया, ब्लैक स्क्रीन लेके आया, और फिर पावर प्ले उसके अंदर आया कि
जिस तरह वो खेला जाता है, अब उसमें इम्प्रोवाइजेशन आई है। आपको पता है ग्लेन टर्नर कब 1969 से 1970 में उठा के मारना शुरू हो गया था कवर के ऊपर से, तो लोगों ने कहा ये है शॉर्ट वर्जन कि ग्लेन टर्नर वर्ल्ड कप की पहला सेंचुरी है। जी हाँ बिल्कुल, तो मैं कह रहा हूँ क्रिकेट में तो वो आ गई, अब क्या है इम्प्रूवमेंट्स आती जा रही है जिसकी वजह से 2020 इतनी पॉपुलर हो गई है। शॉर्ट वर्जन है, एंटरटेनमेंट है, लोग आते हैं सब करते हैं। लेकिन वही कहूँगा कि हाँ मुझे PSL अच्छी हो रही है, बहुत अच्छी हो रही है, सारे इंतजाम भी ठीक ठाक हैं, लेकिन लिमिट वो है, लैक ऑफ इंटरनेशनल टॉप प्लेयर्स की कमी यहाँ महसूस हो रही है इसको ग्लैमर देने के लिए। और इफ़ी जो एक बात कर रहे थे, देखिए इफ़ी जो बात कर रहे हैं ना कि वो अपने इसके विराट के लिए तो ऑफर अभी करते भी उसकी एक मिसाल, वो लेबल है जैसे वो एक एडवर्टाइजमेंट है, ऐसे प्लेयर लोगों को खींच के लेके आते हैं मैच की तरफ, खेल की तरफ, एंटरटेनमेंट जो होती है जितनी भी होती है। एक जमाने में सचिन था, उससे पहले गवास्कर था, फिर विराट आ गया, कल कोई और हो जाएगा, आज हमारा बाबर है, कल कोई और हो जाएगा। तो ये चीज़ों को कहते हुए ये लेबल्स होते हैं ये जो अट्रैक्ट करके प्लेयर होते हैं। बिल्कुल सही, आप कल अब्दुल हसीबुल्लाह की बात कर रही थी कि हसीब को आज खिलाया, आज वो परफॉर्म नहीं कर सके। पेशावर जनबी की आज बैटिंग है वो पूरी तरह से नाकाम नजर आई, आपको क्या लगता है कि क्या एक जैसे सिमिलर फैशन में सब खेलते हुए आउट होने सिवाय बाबर के किसी ने रुकने की कोशिश ही नहीं की? एक तो यहाँ पे क्रेडिट देना पड़ेगा बॉलिंग को, क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने बड़ी ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। अगर आप डेविड विली को देख लें, वो जिन्होंने वो जो ओपन करते हैं, फिर उसके बाद मोहम्मद अली ने जो कमबैक किया है, और क्रिस जॉर्डन हो गए, या मतलब जो भी उसामा अमीर, जो भी वो जिसे खिला रहे हैं, दे हैव मैनी गुड बॉलिंग ऑप्शंस। लेकिन उसके बावजूद जो रिजवान है उन्होंने यहाँ पे, मुझे एक एतराज़ है कि तैयब ताहिर को ड्रॉप करके खुशदिल शाह अपना जो फेवरेट उनका बच्चा है उसको खिला लिया, कि जिसकी ज़रूरत नहीं थी। वो मुसलसल फेल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो रिजवान उन्हें पसंद करते हैं तो वो उन्हें बैक कर रहे हैं, हालांकि तैयब ताहिर को मौका मिलना चाहिए था। और जहाँ तक आप जलमी की बात कर रहे हैं, तो मोहसिन असर खान साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि ये जो साय मयूब हो गए, या मोहम्मद हारिस हो गए, या हसीबुल्ला हो गए, सब ने अपनी विकेट थ्रो की है। साय मयूब पिछले मैच में 3 रन के ऊपर उनका कैच ड्रॉप हुआ था, आज सेम फैशन में वही वो डीप पे कैच, मैंने कहा ना कि 2-3 छक्के मारो, इजी मनी इजी फेम, कम वक्त में शोहरत हासिल करो। तो ये मतलब ये ग्रो किस तरह करेंगे हम? क्या सारी जिंदगी यही बात करते रहेंगे बड़ी अच्छी इंटेंट है भाई इसकी? तो क्या इंटेंट है, ये तो बड़ा बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा, और वो प्लेयर बाद में हैदर अली की तरह, दानिश अजीज की तरह गुम जाएगा और हम उसको ढूंढते रह जाएंगे कहां पे गया। ये जब तक लॉन्ग फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, इसी तरह लीग्स में जाके इधर उधर खेलते रहेंगे, वहां पे रन बनाते रहेंगे। एक सीजन खेला है ना, एक सीजन उसने फर्स्ट क्लास का खेला होगा या दो, आपने उसका टेस्ट डेब्यू करवा दिया। साहबजादा फरहान जो इतने अरसे से खेल रहा है उसको आपने खिलाया नहीं, क्यों नहीं खिलाया कि जी उसके नंबर पे खिलाना है, हमने वेट कर रहे हैं, और जब उसको T20 में डेब्यू करवाया तो आप छठे नंबर पे खिला रहे हैं उसे, ये तो डबल पॉलिसीज हैं आपकी। आपको क्या लगता है जिस तरह बता रहे हैं, आज तो आप थोड़ा बेहतर समझेंगे बाबर को या नहीं? आज भी नहीं, 42-46 रन, पूरी टीम 146 कर रही है। सबसे पहले बाबर को हटा दो तो बाकी 10 ने 100 किए खाली। अली आप मसला है कि मेरी अल्फाज आने से पहले आपके सवाल जमा हो जाते हैं। मैं आपको सिर्फ सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि आपने मोहसिन हसन खान साहब के पैनल में मुझे भी रखा। मोहसिन भाई आपको क्या बात कर रहे हैं यार, खुदा की बात, आपको देख के ये पैनल हमारे चैनल का है, जिसको वो बताते हैं सब खुशी होती है। पैनल चैनल का ना, मुझे भी चैनल दे दीजिए। मोहसिन भाई के साथ आपको पता है एक रिश्ता है मेरा, और काफी टाइम बाद मैं अपने आपको बड़ा खुशनसीब समझ रहा हूँ कि आज मुझे मौका लग गया कि मोहसिन भाई के सामने भी थोड़ी सी लपकुशाई करूंगा, वो भी क्रिकेट के ऊपर। मोहसिन भाई की एक बात, इनको तो छोड़ दें, ये तो दोनों भाई खेल रहे हैं, दोनों भाइयों को पिच मिली भी अपनी मर्जी की, दोनों भाई 50-50 ठीक है। PSL का क्या क्राइटेरिया यार, ये पाकिस्तान क्राइटेरिया PSL होगा? लाना था यार जो PSL को क्राइटेरिया पाकिस्तान खिलाने का बताते हैं भाई, आपकी वो काइजरम ट्रॉफी है, आपका T20 पेंटागुलर, वो क्राइटेरिया होगा, मुझसे ज्यादा तालियां कोई नहीं बजाएगा, क्योंकि गरीब का बच्चा खेलेगा, हर वो बच्चा पाकिस्तान खेलेगा जो अहल है। अब ये क्राइटेरिया अपनी मर्जी के लड़के जहां से मर्जिंग पकड़े, पैसे दिए, खिला दिया, आंखों का तारा, ये लोग 4 साल से नाकाम है। बाबा रिजवान पे क्या बात करूं, पाकिस्तान खेल रहे हैं भाई, इन पे क्या बात करूं अली मैं? मोहसिन भाई वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप इसी पे बात कर रहे होते, बड़ी अहम बात करी सर, वो परफॉर्म नहीं कर रहा था, आप इसी पे बात कर रहे होते, आज ने रन्स कर दिए तो बाबर आजम पे क्या बात करूं? कौन सा मॉडर्न डे क्रिकेट, मोहसिन भाई ने ये बोला है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया, क्रिकेट ओल्ड एज की आज भी है। मुझे बताएं है आपके पास बाबर आजम 10,000 रन मारेंगे टेस्ट में, नजर आ रहा है आपको? खेल खेल कितने रहे भाईजान, टेस्ट खेल कितने? यही तो बात कर रहा हूं अली, जहां पर आपको रिकॉर्ड बुक का हिस्सा बनना है वो क्रिकेट नहीं है आपके पास। ये लोग जो हमारे पुराने लेजेंड्स हैं, जहीर भाई का आज मैं डिस्कस कर रहा था, अबे 100 मारेगा फर्स्ट क्लास के 100 कोई
सेंचुरी की सेंचुरी कौन मारेगा यार, कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट, इनके रिस्पेक्ट करें भाई, ये वो आंखें हैं जो आपको उरूज पे लेके जा सकती हैं। आपने नजरअंदाज किया भाई इन लोगों को, ये सबसे अहम अनमोल बातें इनके पास हैं, कोई मॉडर्न डे नहीं है, धोखा है ये, अबे रंग बिरंगी धोखा है इनमें। बाबर रिजवान की इन इनिंग पे बात करूं, टाइम जाया करूं, मोहसिन भाई बैठे, ये तो हमेशा से 50-50 करते आ रहे हैं, आज फिर मारेंगे 50-50। ये अगर अपने नंबर पे ना खेले तो पाकिस्तान का नुकसान हो जाता है, इन पे बात करूंगा मैं। ये रेस चल रही है यहाँ पे कप्तान बनने की, पाकिस्तान 5-5, 6-6 लोग रेस लगा के खेल रहे हैं पीएसएल में, 42 बॉल में 46 रन डिस्कस कर रहे हैं। ये एक आपके टीवी में आए थे 46 रन, दिस इज ऑल एंटरटेनमेंट। सर वो मैं पूछ रहा सवाल ये है, आपके आपके टीवी पे वो 46 रन आए थे 42 बॉल में, वो देखे थे आपने या आपने वो देखे ही नहीं? आपने वो उस पे बात नहीं कर रहे यार, 10 बॉल में क्या किया मैं साइन के देख लूंगा, और बेहुदा शॉट जो मोहसिन भाई कह रहे हैं ना उस पे आउट होना मंजूर है। मैं ये नहीं देख सकता कि क्या करे, 120 कर दे, 120 बॉलों में भी तुमने खुद तय किया है कि मेरा एंकर रोल होगा, जो आएगा वो मारेगा। यार कमाल हो गया, बल्ला उठाने ना 40-40-50 अली छोड़ा यार, 146 की टीम है मोहसिन भाई, मुझे बताए 146 रन टीम करती है, मतलब अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते हैं इस पे, मुझे इनसे आर्गुमेंट हमेशा होता है, पूरी टीम 146 कर रही है, एक बंदा 46 कर रहा है, उसकी तारीफ नहीं करेंगे पूरी दुनिया। आप बताएं ऐसे ओपनर कितना मुश्किल है, इस तरह के 10 लड़कों के बराबर आप अकेले रन अकेले देखिए एक बात, बाबर का एक रोल हम सब जानते हैं, बाबर स्लॉगर नहीं है, बाबर को चाहिए टाइम, वो लंबे ओवर जितने खेलता है। एन ने बड़ी अच्छी बात कही है, बड़ी जबरदस्त टेक्निक, जिसको मैंने भी सॉरी वो नहीं किया, थैंक यू एन, कि पिच तो ठीक है, जो भी थी क्रेडिट जाता है जलमी के बॉलर्स को, क्या कमाल की उन्होंने बॉलिंग की है, जहाँ उन्होंने देखा हल्का सा बॉल फंस रहा है या कुछ हो रहा है, उन्होंने एक्यूरेट बॉलिंग की, और विली ने कमाल की बॉलिंग की है, तो ये बड़ा देखिए ये बड़ा जलमी को यहाँ क्रेडिट जाता है, उन्होंने देखा ठीक है थोड़ा सा विकेट में जूस है हल्का सा, तो इसका हम फायदा उठाएं, इनको बल्ले पर ढा ढा मारने ना दें, कंटेन किया। एक बाबर के अलावा हर किसी के 10-12 रन से ज़्यादा रन नहीं है, उन्होंने पकड़ लिया टीम को, तो यहाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जलमी को बहुत बड़ा क्रेडिट, जलमी को क्रेडिट देंगे। और साथ साथ कल हम डिस्कशन भी कर रहे थे, वापस जब ब्रेक आएंगे इस पर बात भी करेंगे कि बाबर आजम की कप्तानी और रिजवान की कप्तानी के हवाले से भी एक डिबेट हो रही है, क्योंकि जो दरूनी खाना खबरें वो ये हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो नीली चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैं, वो शायद शाहीन आफरीदी की जो कप्तानी से उससे खुश नहीं है, तो कप्तानी के हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। और आज जिस तरह मोहसिन भाई हैं और इस तरह रफी भाई भी बात कर रहे हैं कि आज रिजवान ने जो है वो कप्तानी बेहतर की है और मुश्किल पर डाला है पेशावर जलमी को, कहेंगे आप दिल में कह रहे हैं, मुझे दिल में कह रहे हैं बोलूंगा यार, ये क्या पाकिस्तान की कप्तानी है क्या, फुदूल में पकड़ा देगा आदमी, क्या बात कर रहे हो, कराएंगे कप्तानी विराट कोहली, आपसे क्यों ठोक रहे हैं आप, विराट कोहली का कराएंगे कप्तानी, विराट कोहली मेरा मामा लगता है क्या, अब्बू अब्बू वो क्रिकेट का बाप है, किसका किसने बनाया है, किसने बनाया, क्रिकेट ने बनाया, आपके अलावा तो वही कहता नहीं पूरे पाकिस्तान में, क्रिकेट नहीं मेरे अलावा, तो मैं आपके अलावा कौन कहता है पाकिस्तान में विराट कोहली, मेरे अलावा तो ये भी कोई नहीं कहता कि हर माँ के बच्चे का, बीच में बीच में मैं आखिर में वो ब्रेक ले रहा हूँ, बीच में मैं इंटरप्शन करनी, बीच में विराट कोहली का जिक्र करना, मेरे साथ क्यों ठोक रहे हो, 4 साल से नाकाम टांगे यार ये, तो फिर किसको बना दे कप्तान, तो ये क्राइटेरिया पाकिस्तान खेलेगा, इस क्राइटेरिया पे खेल रहा है पाकिस्तान, कौन इससे बेहतर, कौन खेल रहा है, ये गलत है, ये यार अजीब बातें करते हैं, बाबर आजम की परफॉर्मेंस नजर आ नहीं रही है, रिजवान की कप्तानी नजर आ नहीं रही है, विराट कोहली का वो अपने लोग बोल रहे हैं, जीत गरकार बोल रहा है कि भाई उसकी इंडियन टीम में जगह नहीं बनती, वो इनको चांस से नजर आ रहा है, ये है हमारे एफी भाई, और फिर लोग कहते हैं कि यार एफी भाई साहब लड़ते हैं, ब्रेक लेंगे वापस आएंगे जरा मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कशन कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग के हवाले से, लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे पड़ोसी मुल्क के हवाले से, और आपके इल्म में कि सब कमर एफी साहब हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम बात ना करें। एफी भाई कल हम डिस्कशन कर रहे थे मोहसिन भाई के साथ, और मोहसिन भाई ने बड़ी तफसील के साथ बताया था कि इनकी टीम में जो है वो विराट कोहली होता है, लेकिन अजीत अगरकर की टीम में विराट कोहली नजर नहीं आ रहा, अजीत अगरकर भी यकीनी तौर पर आप उनके भी दुश्मन हो जाएंगे कि उन्होंने विराट कोहली के लिए बात कर दी है। अली थैंक यू वेरी मच, आपने ये सवाल किया, मुझे लग रहा था आप बेचैन थे, शायद ऐसा लग रहा था आपको अजीत अगरकर आपने मुझे ही समझ लिया है विराट कोहली का सिलेक्टर में ही। अब्बू तो आप ही के हैं ना, वो तो जिसके अब्बू उसी से सवाल करूंगा ना, वो विराट क्रिकेट का बाप है, मेरा नहीं है, क्रिकेट का बाप है वो, क्रिकेट का बाप किसने बनाया, मैं जो अब्बू कहता है उसी का बाप होता है। देखिए अली मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जब कोई सवाल हुआ करे ना उसकी मुसद्दका कोई एक चीज होनी चाहिए, मुसद्दका तो है नहीं, अब अजीत अगरकर की हवाइयां हैं। मैं आपको बताऊं ये जो सिलेक्शन पैनल है यही पूरा नहीं है। अच्छा,
जिन लोगों ने ये एजेंडा चलाया और वो एक बरतानवी अखबार की रिपोर्ट पे जो आज से 3 महीने पहले छपी थी उसको दोबारा से नया किया गया और फिर एक दफा चलाया गया, उस खबर को उठा के इंडिया लाया गया, वहां आईबॉल ज्यादा हैं, 150 करोड़ आईबॉल्स हैं और क्रिकेट के ऊपर ही हैं सारी चीजें, वहां पर फोड़ा गया। इंग्लिश मीडिया ने किया ये कि अपनी नाकामी इस सीरीज की छुपाने के लिए वहां पर एक खबर छापी जिसको चलाया गया। अब मैं आपको बताऊं, इंडिया का जो सिलेक्शन पैनल है उसमें एक मेंबर की वैसे ही कमी है, वेस्ट से थे आप, नॉर्थ से थे आपके चेतन शर्मा जो चले गए, ठीक है। अब मुझे बताइए, एक आदमी सिलेक्शन पैनल में ही कम है जिनकी टांगे ही पूरी नहीं है, वहां पर यह खबर डाल देना सिर्फ इसलिए कि विराट कोहली का कोई काउंटर आ जाए। उन तमाम लोगों को शर्म आनी चाहिए जो विराट कोहली के इस एजेंडे को लेकर आए कि विराट कोहली की T20 वर्ल्ड कप में जगह नहीं बनती। आपको लगता है वो एक आदमी आए, आप सर सुन लिया करें आवाज, जब विराट कोहली का मामला था जज्बाती हो जाते हैं, दरअसल उसके चेज में इंडिया की विन में शामिल है। फिर ये कि आपको मेलबर्न में हराने वाला, हारने वाले थे आप पाकिस्तान से, विराट कोहली नहीं खड़ा होता, 8 बॉलों पे 28 रन, सुन तो लीजिए अली, आप पूरी बात, बाबर आजम होता है ना, एक सेकंड, बाबर आजम होता है तो आप फॉर्मेट की बात करते हैं, विराट कोहली के हवाले से पाकिस्तानी प्लेयर होता है तो आप फॉर्मेट की बात करते हैं। आप मुझसे अगर उस अंदाज से बात करना चाह रहे हैं तो मैं उस अंदाज से, आप सुन नहीं रहे ना मैं क्या करूं, आप सवाल कर चुके हैं, आप क्या मतलब, जहां मेरी जबान से पकड़ी हुई चीजें आप जवाब, आप फर्क रख रहे हैं ना, आप फर्क रख रहे हैं ना, नहीं नहीं गलत, क्या फर्क रख रहे हैं, इंडियन सिलेक्टर का पैनल पूरा नहीं है, चलो ठीक है, चलो ठीक है, लेकिन ये क्या बात है कि जब बाबर की बात होती है तो वो फॉर्मेट सारे मिक्स हो जाते हैं, जब विराट कोहली की बात होती है सर वो तो T20 में नहीं किया, वो टेस्ट में नहीं किया, अंकोला को तो जानते होंगे आप, मैं बिल्कुल जानता हूं, छक्के के साथ उन्होंने आगाज किया था, इमरान खान को छक्का लगाया था, वो अच्छी तरह जानता हूं, एक फिल्म में हीरो भी आए थे, इंडियन ड्रामे भी काफी एक्टर भी थे, अब वो सिलेक्शन पैनल के मेंबर भी हैं, मालूम है मुझे, ठीक है, 4 जोन के मेंबर हैं, 1 जोन का मेंबर कम है, ठीक है, उनका चेयरपर्सन भी कम है, सिलेक्शन का जो हेड होता है वो भी कम है, अजीत अगरकर अभी अपॉइंटेड नहीं है भैया, वो सिर्फ चेयरमैन नहीं है अभी, अजीत अगरकर उभरी है यार अली, उभरी है, टीम कौन बनाएगा, सुन तो लीजिए, उभरी हो या पूरी हो टीम कौन बनाएगा, मैं आपको दे रहा हूं ना, अब सलील अंकोला ये कह रहे हैं, आज ही उन्होंने कहा, सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है वो, ये कह रहे हैं कि विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, इन तीनों के अलावा सब पर बात हो सकती है, खत्म हो गई ना, खत्म हो गई ना डिबेट, अच्छा मैं तीनों है ना यार, मैं मोहसिन भाई से पूछ लूँ ना कि मोहसिन भाई क्या कह रहे हैं, मोहसिन भाई मुझे ब्रेक पे जाना है, इन्होंने इतनी लंबी बात कर दी कि वक्त जरा कम हो गया कि मैं आपसे तफसील से बात करूं। आप तो कह चुके हैं विराट कोहली को, लेकिन ये अजीत अगरकर को, ठीक है इसमें को तो एक अपना इनका मिजाज होता है, अजीत अगरकर को क्यों नजर नहीं आ रही विराट कोहली? देखिए पहली बात तो इंडियन क्रिकेट मेरा मसला नहीं है, ना हमारा मसला होना चाहिए, हमारा मसला पहले है PSL या पाकिस्तान क्रिकेट। हाँ जहाँ तक विराट का ताल्लुक है, मेरे ख्याल है सब उसके बारे में जानते हैं कि विराट कोहली आज की दुनिया का प्रॉब्ली अगर बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द बेस्ट टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, अगर उसको जो सिलेक्ट नहीं करता है तो डेफिनेटली क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह समझता होगा, हम शायद उतना नहीं समझते। इफ़ी भाई तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उनसे भी ज़्यादा समझ रहे हैं, आप भी बता दें ज़रा कुछ ताकि मैं ब्रेक ले लूँ जल्दी से। नहीं जब दो इतने बड़े बड़े लोगों ने कह दिया तो मैं क्या कहूँ, मैं तो पहले ही कह चुकी हूँ कि विराट कोहली जो हैं वो वर्ल्ड कप खेलेंगे, आप कहेंगे वो दोनों मारे बच्चे ख्वाब देख रहे हैं, विराट कोहली पाकिस्तान काफी लिंगर अप हो चुका है, आप जितनी बात कर लें इफ़ी भाई कर लें, मैं क्या कर रहा हूँ, रोजाना खबरें आ रही है, मैं थोड़ी कर रहा हूँ अल्टीमेटली, इसलिए आ रही है कि विराट नाम ऐसा है कि उसके नाम से खबर चलती है, उसके नाम से खबर बिकती है, तो अल्टीमेटली तो वो वर्ल्ड कप खेलेंगे हमें पता है, ओलंपिक चलेगा भैया, आप ये भी बता दूं उसकी शक्ल पे ओलंपिक में गई है क्रिकेट, और YouTube के शो भी चलेंगे, हैं YouTube के शो भी चलेंगे यार अली, आप समझे नहीं, इस वक्त पूरी दुनिया में एक ही आदमी है जिसके नाम से क्रिकेट चल रही है, उसका नाम है विराट कोहली। अच्छा विराट कोहली चला जाएगा, हनीफ मोहम्मद चला गया, इमरान खान चला गया, गवास्कर चला गया, एलन बॉर्डर चला गया, ग्रेग चैपल चला गया, विव रिचर्ड चला गया, मोहसिन भाई चले गए, क्रिकेट चल रही है, लेकिन विराट कोहली जाएगा तो क्रिकेट बंद हो जाएगी, मतलब इंतहा है यार, मतलब बायसनेस की है मोहसिन भाई, ओलंपिक में लेके गया क्रिकेट, इंतहा है बायसनेस की, मतलब तो मैं ये कहूंगा नहीं चल रही, लेकिन मैं आज की तारीख में आई थिंक अगर मैंने कहा ना अगर वो बेस्ट नहीं तो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, और जो उसको अगर नहीं सेलेक्ट करता उसके पीछे क्या वजूहत है, देखिए हम सिर्फ क्रिकेट को एनालाइज कर रहे हैं, हो सकता है अंदर कुछ और खिचड़ी पक रही हो, लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि जो थोड़ी सी भी क्रिकेट को समझता हो वो जिंदगी भर विराट जैसे प्लेयर को कभी ड्रॉप नहीं करेगा। ऑलराइट है जनाब, ये सुना आपने मोहसिन हसन खान साहब को, एनएस जरा को, हर माँ के बच्चे का ख्वाब विराट है यार अली, क्या बात कर दी तुमने यार, हर माँ अपने बच्चे में विराट कोहली, आप समझे नहीं, एक माँ की नजर से देखेंगे ना
तो वो विराट कोहली ही नजर आएगा, आप समझे नहीं आप बच्चे को ना, मुझे समझ में नहीं आता आप बेटे की नजर से देखते हैं विराट को, मां की नजर से देखते हैं, अब अपनी नजरें बताएं आप किस नजर से देखते हैं विराट को। अली आप समझ नहीं, जब किचन तक पहुंच जाती है ना कोई चीज खाना पकाने वाली तक, तो इसका मतलब है दुनिया जानती है उसको, समझ गया, किचन में वही आप पहुंचता है जो कुछ कर रहा होता है दुनिया के अंदर। तो विराट कोहली किचन में डिस्कस होता है, किचन में, किचन में डिस्कस होता है। चले किचन से पूछ ले, जिसका किचन से ताल्लुक है उनसे ही पूछ लेते हैं, क्या वजह आप समझते हैं कि बिला वजह की ओवर हाइप बनाई जा रही है विराट कोहली के मामले को लेकर, क्योंकि हम सभी जानते हैं मौसम के बाद तो कोई दो राय रह ही नहीं जाती कि उसकी सिलेक्शन के हवाले से जितना उसका गेम है कि विराट को ड्रॉप करना बनता नहीं है। वैसे देखिए विराट ड्रॉप नहीं हो रहे हैं, एक उनकी एक जैसे कि चार लोग बैठे हुए हैं एक ही राय है भाई कि ऐसा हो सकता है। अब जब वर्ल्ड कप हारे हैं ओडीआई तो तब ये भी कहा जा रहा था कि रोहित को भी नहीं खिलाया जाएगा और इवन उनको कैप्टन नहीं बनाया जाएगा, जयशा ने बाद में कैप्टन बना दिया उन्हें। सो इट्स नॉट लाइक डैट के कोहली को ड्रॉप किया जा रहा है, लेकिन उनके पास जैसे कि मोहसिन हसन खान साहब ने कहा था कि उनके पास बैकअप बहुत ज्यादा है। सो अगर विराट नहीं भी होते हैं तो ही दे हैव बैकअप, लेकिन जो विराट अपना एक नाम है उनका और जितनी चैलेंजिंग एक सिचुएशन में और कंडीशन में वर्ल्ड कप है, तो मेरा नहीं ख्याल कि बीसीसीआई जैसा इंटेलिजेंट बोर्ड विराट कोहली को या रोहित को ड्रॉप करे। ठीक है मौसम भाई, अब यहां से थोड़ा सा मैं आपके कैरियर से कोरिलेट करता हूं, विराट कोहली को अगर ड्रॉप करना है या रेस्ट देना है या वॉट एवर जो भी डिसाइड किया बीसीसीआई, इस तरह के स्पेकुलेशन सामने आ रही हैं या रोहित शर्मा के हवाले से पहले आर्मी बेहतर होता कि वर्ल्ड कप तक खिलाते उसके बाद ये बातें सामने आती। मुझे याद है 87 के वर्ल्ड कप में आपको ड्रॉप किया गया, आपको नहीं खिलाया गया और आपकी जगह जिन लोगों को लेके नहीं 86 तक तो आप खेल ही रहते ना, 85-86 तक तो आप खेल ही रहते हो, 87 के ड्रॉप नहीं किया गया, मतलब जो इस वजह से वॉट एवर रीजन में कह रहा हूँ, जिनको मौका दिया गया आपकी जगह वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो सके, तो आपको नहीं लगता जो जिस तरह आप खेलते हुए आ रहे थे और जिस तरह से विराट की बात हो ये खेलते हैं एक सेंड ऑफ अच्छा दे दें, एक अच्छा इवेंट गुजार लें आईसीसी उसके बाद अच्छा सेंड ऑफ दे दें। नहीं वो तो जो मैं इस बात को क्लियर कर दूं, देखिए ये होता है कि मैं वो नहीं हुआ था, ड्रॉप नहीं होता 87 में जब इन्होंने गंदी पॉलिटिक्स शुरू की थी, एक साहब थे वो अब नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मैं आज भी दुआ करता हूं उनके लिए, लेकिन मैंने कहा मैं घटिया क्रिकेट और गंदी क्रिकेट में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हूंगा, मैं हट गया था। 87 इमरान खान कैप्टन थे, इमरान खान के दौर में घटिया क्रिकेट हो रही थी, उनके दौर में शुरू हो गई थी और ये शुरू हो गई थी, उस आदमी ने शुरू कर दी थी, लेकिन इमरान को भी जब होते मैंने कहा अगर इसके होते हुए क्रिकेट में गंद हो रही है तो वही तो दिन के इमरान खान ने ड्रेसिंग रूम से निकाला था। अब तो ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं भाई तो कह रहे हैं 86 में ड्रॉप हो चुका था, अब नहीं ड्रॉप नहीं छोड़ चुका, रिटायर हो गए थे, नहीं नहीं मैं खेल रहे थे उससे मुझे याद है 87 वर्ल्ड कप की जगह अगर सिलेक्ट होते तो क्या खेलते, ये भी तो एक सवाल है। हाँ मैं तो बिल्कुल ऑब्वियस था, मैं तो सर ड्रॉप किया गया ना, नहीं 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 ड्रॉप वो एक कंट्रोवर्सी चलाई गई थी, पॉलिटिकल रीजन आप कह रहे हैं ना, नहीं नहीं पॉलिटिकल रीजन नहीं, एक कंट्रोवर्सी के जी मोहसिन खान क्रिकेट में इंटरेस्ट, हाँ क्रिकेट पॉलिटिकल डर्टी पॉलिटिक्स। मोहसिन भाई तो फिर इमरान खान जो आपके दोस्त भी थे आप पे बहुत ट्रस्ट भी करते थे, उन्होंने उनके बारे में बड़ा मशहूर था वो अपनी टीम सेलेक्ट करते हैं, तो उन्होंने कैसे बर्दाश्त कर लिया कि आप जैसा प्लेयर जो है वो स्क्वाड से बाहर हो, ये आप इमरान से पूछिए, ये मुझसे मैं उसका क्या पूछूं, मैं तो यही हैरान था कि उसके होते हुए अगर ये टेबल के ऊपर क्रिकेट खेली जा रही है जिससे मुझे लिल्ला ही नफरत थी कि खेलो ग्राउंड की परफॉर्मेंस पे क्रिकेट, लेकिन जब आप सिफारशी हमारी तो एक बात है ना कि हमारी मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूँ, 3-4 साल में अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन जब मैंने देखा ये गंद शुरू हो गई है तो यकीन करें अली फिर मैंने कहा नहीं मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, मैं हट गया खामोशी से। इंडिया का टूर था वो, वर्ल्ड कप नहीं था वो, इंडिया का टूर था जिसके ऊपर ये कॉन्ट्रोवर्सी चली थी, तो मैंने उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, उसके बाद इन्होंने फिर मुझे मिन्नतें करके कॉल करने की कोशिश की, फिर ये अपने साथ 4-5 ओपनर ले गए सिफारशी, हर ओपनर फ्लॉप, हर ओपनर फ्लॉप था उस टूर में, मेकशिफ्ट ओपनर खिलाने पड़े थे फिर जी, मेकशिफ्ट ओपनर खिलाने पड़े थे हाँ, और फिर उसके बाद 12 इन्होंने फिर मुझे बुलाने का, मैंने कहा अब नहीं आऊंगा मैं, जब तुम लोगों ने इसी बदतमीजी की है मेरे साथ तो मैं तुम्हें इस पर बिल्कुल वो नहीं करता, मैंने क्रिकेट देखी अली, मैंने सिफारिशों से क्रिकेट नहीं खेली, मेरे पास सिर्फ एक सिफारिश थी अल्लाह ताला की और उसकी सिफारिश से मैं खेलता हूँ, मैंने कहा मैं तुम जैसे छोटे लोगों के साथ मैं इन्वॉल्व नहीं हो सकता घटिया चीज़ों में, इसलिए मैं क्रिकेट से हट गया था। ऑलराइट आपने सुना मोहसिन हसन खान साहब को ये तमाम नहीं मैंने पूछा नहीं, मौसम भाई जल्दी से मुझे ब्रेक पे आना है, मैं विराट के लिए एक बात एंड करते हुए कह दूं, देखिए विराट के लिए जहां तक अगर उनकी अपनी सिलेक्शन है मैं आपको बता रहा हूं, जरूरी नहीं है क्रिकेट का मसला हो, कोई और हो सकता है, लेकिन विराट जैसा प्लेयर आज की तारीख में मैं उसको जैसे मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर टॉप का नहीं तो वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, ठीक है वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, और आपने मोहसिन हसन खान साहब को सुना, और फिर लोग मुझसे पूछते हैं कि अली सलमान बटरिंग क्यों करता है मोहसिन हसन खान साहब की, तारीफ क्यों करता है मोहसिन हसन खान साहब की, ये तमाम वाकयात तो मेरे तो सीने में महफूज थे क्योंकि तारीख के औराक में जो वाकयात है महफूज है, लेकिन आम नाजिर के लिए मैंने आज जानबूझ के दानिश्ता तौर पर पूछा क्योंकि सेम सिचुएशन हमें विराट कोहली के साथ भी नजर आ रही है, एक अच्छा खासा परफॉर्मर है उसको बिला वजह में जो है वो र्यूमर्स फैलाई जा रही हैं, स्पेकुलेशन फैलाई जा रही हैं और उसकी परफॉर्मेंस को जो है वो खराब करने की कोशिश की जा रही है, वरना विराट
एहतियात की इंडिया को अभी भी जरूरत है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग के बारे में, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और 146 रन के हदफ के ताकों में इस वक्त 82 रन स्कोर किए मुल्तान सुल्तान ने और उसका एक खिलाड़ी आउट है और 11वें ओवर का खेल इस मौके पर जारी है। तो 11वें ओवर के दौरान एक विकेट के नुकसान पर 82 रन जो है वो यकीनी तौर पर वेल बिहाइंड द टारगेट कहा जा सकता है मुल्तान सुल्तान को, और बड़ी मजबूत कंटेंडर है कि इस मैच को जीत के वो फाइनल तक रसाई हासिल कर जाए। यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ी सी मजीद इस मैच के हवाले से और जिस अंदाज से यहाँ पर कैप्टनसी की तरह से इसका भी कंपेरिजन करेंगे। एनु जरा ये बताएगा कि जिस तरह रिजवान ने कप्तानी की है यहाँ पर, कुछ आपको लगता है कि गलतियां भी पेशावर जलमी से हुई हैं, लेकिन ओवरऑल जिस तरह आज बाबर आजम तीसरा मैच है कि वो अगेंस्ट पेशावर जलमी अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान बोल्ड हुए हैं वो, तो आपको लगता है कि सही प्लान बनाया हुआ, उसका सही एग्जीक्यूशन है और जिस तरह से टीम लेके चले रिजवान तो एक अच्छी कप्तानी की उन्होंने ये तो आप मुझसे सर खान साहब से पूछे, ये तो आपको नहीं, 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 आप रिजवान आप दोनों बड़े फर्म बिलीवर हैं रिजवान के, वो तो भाई बोलेंगे नहीं, नहीं देखो मैं फर्म बिलीवर रिजवान की इस तरह नहीं हूँ। मैं ये कहती हूँ कि रिजवान एक अच्छे मतलब उनके अंदर है कैप्टनसी के गट्स, लेकिन अब क्योंकि आपने शाहीन शाह अफरीदी को बना दिया है तो इट्स नॉट लाइक दैट कि बाबर को 4 साल आप दें और शाहीन को 4 सीरीज भी ना आप दें, तो शाहीन को मिलनी चाहिए। और आप ये जो कह रहे थे कि जो भी नए नए दूल्हा बने हैं सॉरी चेयरमैन बने हैं मोहसिन हसन खान साहब, जो बने मोहसिन नकवी साहब असल में जो दिल की बातें होती है वो आ जाती है। सो आई फॉर्मली दिल की बात है क्या, दूल्हा बने चेयरमैन बने, मैं ये तो समझा दो चेयरमैन बनने चाहिए मोहसिन नकवी साहब बने हैं। आपने कहा कि वो कह रहे हैं कि जो शाहीन शाह अफरीदी हैं उनको ऐसी खबरें मिल मतलब उनका ये फीडबैक दिया जा रहा है कि इनको चेंज कर दिया जाए। अब मोहसिन नकवी साहब जो कि एक पॉलिटिशियन भी रहना चाहते हैं और पीसीबी को भी रन करना चाहते हैं, अभी वो आईसीसी की मीटिंग अटेंड करने गए हैं, जय शाह से मिलने की ख्वाहिश थी, जय शाह आया ही नहीं, वो ख्वाहिश अधूरी रह गई उनकी, तो वो चैंपियंस ट्रॉफी पे क्या बात करेंगे। सो जब उनसे क्वेश्चन होता है ना किसी क्रिकेट के मुतालिक तो वो कहते हैं कि मेरे पास ब्रीफिंग नहीं है 20 की, वो बंदा आपकी क्रिकेट को रन करेगा, वो बंदा फर्स्ट क्लास को चलाएगा, वो बंदा ये फैसला करेगा कि किसको क्या कैप्टन बनना है। आप देखेंगे जो भी ये जितने नए प्लेयर्स हैं, ये जितने हम देखते हैं जो अंडर 19 के प्लेयर हैं, अभी मुशीर खान जो अंडर 19 इंडिया से खेल रहा था उसने रणजी ट्रॉफी के अंदर जो तेंदुलकर है उसका रिकॉर्ड ब्रेक किया है, उस वो यंगेस्ट प्लेयर बन गया है कि जिसने फाइनल में सेंचुरी स्कोर की है। हमारे कहाँ पे हैं ये शामिल अजान अवैस और कराची के स्क्वाड में खिलाड़ी कितने फर्स्ट क्लास खेले इन्होंने, आपने उसको लूप होल में शामिल ही नहीं किया, उल्टा आप ये कह रहे हैं कि जो नसीम शाह के भाई हैं जो कि अंडर 19 के, कब वो पाकिस्तान से खेलेंगे, भाई फर्स्ट क्लास तो खिला लो, ये सब बातें कौन सोचेगा, ये सब बातें कब सोची जाएंगी जब ये आएंगे, इन जैसा इंसान आएगा वो नहीं आएंगे। अच्छा आप लोगों से पूछ के बताता हूँ क्या, मैं जरा पूछ लूँ ना इनसे, पूछ लूँ मुस्कुरा रहे हैं उनसे भी पूछ लूँ, आपको लगता है कि मोहसिन हसन खान जैसा प्लेयर जिन्होंने क्रिकेट भी इसलिए छोड़ दी कि मैं टेंटेड प्लेयर के साथ नहीं खेलूंगा, शोज़ में भी उन्होंने मना कर दिया, इसकी मैं बार बार बात भी करता रहता हूं, फिर इसके अलावा जो क्रिकेट कमेटी में भी आया वो भी इन्होंने सारी चीज़ें छोड़ दी, क्या आपको लगता है कि मोहसिन खान साहब जैसे प्लेयर का बर्दाश्त बोर्ड में किया जाएगा, लगता है आपको? अली देखिए, आपने अगर क्रिकेट को रन करना है एडमिनिस्ट्रेटिवली और स्ट्रेटेजिकली, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में नीचे की सतह पे क्रिकेट बहुत गायब हो चुकी है, और जो हमारा जो एन कैरियर है मैं उसको थोड़ा कंटिन्यू कर दूँ, नीचे से बच्चा आ नहीं पा रहा, नीचे ही गला दबा दिया जाता है उसका, गरीब के पहुँच से दूर हो गई थी, अब उनके करीब जा रही है। डिपार्टमेंटल और रीजनल क्रिकेट अली देखें बहुत ज़रूरी है, जिस तरह से पिछले 4 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक उड़ाया गया, कई कई चेयरमैन आते रहे जाते रहे, ठीक है किसी का इंटरेस्ट होता है किसी का नहीं होता, मगर क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जो सबके इंटरेस्ट सेम कर देती है, यानी कि आपको उस जगह पे ला के खड़ी कर देती है, घर का हर आदमी आपसे पूछ रहा होता है अब क्या हुआ, कौन खेल रहा है, क्या वर्ल्ड कप में क्या है, मतलब यार आप ये तो देखें कि आप काम धंधों के अलावा क्रिकेट पे कितना फैमिली गेम, फैमिली गेम है, तो ये बड़ा टचिंग है आपके लिए क्रिकेट, इसको अगर आप इसी तरह ज़ाया होने देंगे जो आपके इतने बड़े नाम हैं आपकी हिस्ट्री के अंदर, अभी तो कुछ भी नाम नहीं है अली, ये नाम पता नहीं कब गायब हो जाए, सोशल मीडिया के बने हुए नाम हैं जिनके आप नाम लेते हैं ना, ये सोशल मीडिया डिजिटल के कान इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट के जो लोग हैं उस तरह वो वाले अगर क्रिकेटर आप देखेंगे
तो वो आज भी सराहियत करते हैं हमारे, आपके पास बेचने के लिए क्रिकेट में अगर पुराने क्रिकेटर ना खड़े करें तो आपकी क्रिकेट नहीं बिक रही, आपके एनालिस्ट जितने क्रिकेट के ऊपर है अगर वो लोग ना हो तो क्रिकेट पे बोलने वाला कोई नहीं है। मैं ये भी तो देखे ना, तो आपको अपनी क्रिकेट चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिवली अली किसी ना किसी पे एतवार करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेटर इस वक्त मोहसिन नकवी जो है, मैं उनको इसलिए बेहतर कह रहा हूँ कि यार उन्होंने दुनिया भर की खाक छानी भी है, मीडिया को बहुत अच्छी तरह हैंडल करना जानते हैं, ज़बरदस्ती बात करने की ज़रूरत नहीं है। जैशा से मिलने की कभी ख्वाहिश नहीं रही उनकी, ठीक है, अगर मिलना होता तो वो पाकिस्तान में इतने सारे लोग बैठे उनको इंटरव्यूज दे रहे होते, इसका मतलब है उनको मीडिया से कोई ताल्लुक नहीं, उनको पता है कि मीडिया किस तरह हैंडल करना है, ठीक है। तो वो जब मौका आएगा पावर लेके बैठेंगे, अपनी टीम भी बनाएंगे और मोहसिन खान साहब जैसे लोगों से भी राब्ता करेंगे जो जानते हैं कि किस वक्त किसका कैसे गला दबाया जाता है। क्रिकेट को बचाने के लिए आपने बचानी है तो इस तरह के लोगों को ऊपर रखना पड़ेगा। आपको ऑफर हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई मोहसिन हसन खान साहब को जो है वो हमारी जो कराची की क्रिकेट है उसकी कोई ऑफर हो चुकी है। मुझे भी एक बड़े सरकर्दा शख्स ने बताया था कि भाई मोहसिन भाई को ऑफर हो चुकी है, तो जरा क्लियर करें ना कुछ मोहसिन भाई के, कोई ये ऑफर नहीं हुई होगी तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं देखिए, मैं क्यों नहीं करूंगा। देखिए आज मोहसिन खान जो कुछ भी है, और आप लोग जो इज्जत प्यार मोहब्बत देते हैं क्यों देते हैं, मोहसिन खान क्रिकेट की वजह से है, जो कुछ भी है अल्लाह ताला ने जो इज्जत दी है, तो मैं अपनी क्रिकेट के लिए हमेशा अपनी क्रिकेट की खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सही जगह पे। और ये जो आप देख रहे हैं ना गड़बड़ जो हो रही है, और मैंने क्या चीज़ डिसाइड किया ली कि देखिए मैं और एक बात मैं वो करता हूँ, पता है आपको, जो मैं प्रूफ कर चुका होता हूँ एज अ चीफ सेलेक्टर, मैंने प्रूफ कर दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह फेयर सिलेक्शन की, फिर एज अ हेड कोच प्रूफ कर दिया कि टीम की परफॉर्मेंस उठाई, ये पूरी आवाम के सामने। मैं अब उस पोजीशन पे जाऊंगा जहां पे मैं चीज़ों को होल्ड कर सकूं, ये नहीं जाऊंगा कि फिर बाद में पता लगा मैंने 2 साल काम किया और मुझे इस चीज़ से बहुत चिढ़ आती है, 2 साल 2.5 साल काम किया, खूब सैलरी ली, सारा कुछ दिया का, उसके बाद का मुझे काम ही नहीं करने दिया। मैं ये पोजीशन में नहीं आना चाहता, तो मैं आऊँगा वहाँ पर, जैसे मैं यकीन कीजिए मुझे जब एजाज भट्ट, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया सिलेक्शन चीफ सेलेक्टर के लिए, तो मैंने उनसे कहा सर मेरी 2 कंडीशन हैं, मैं शरायत नहीं कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है आपसे, सिफारिशी निकलाऊंगा और गड़बड़ काम करने वाले को जिससे पाकिस्तान के जो इन्वॉल्व हैं किसी भी चीज़ों में टेंटेड कामों में, उनको मैं नहीं लूंगा टीम में। उन्होंने कहा मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूँ, रिजल्ट मैंने दे दिया उसके साथ। लेकिन मौसम भाई अब आप जाहिर से कोच नहीं बन सकते, उम्र के सिस्टम, मेरे सवाल सुन, आप कोच नहीं बन सकते हैं, आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजिशन पर कुछ छोटे लेवल पर या मैनेजर नहीं बन सकते, अब आपकी जो ऑरा है, जो आपका एक शख्सियत की एक करिश्मा है, वो यही है कि आप चेयरमैन ही आए, तो मोहसिन नकवी गया, मोहसिन खान आ जाएगा क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता ना। नहीं, अब हम चाह रहे हैं ऐसा। हाँ, देखिए ऐसे डिजर्व भी करते हैं ना, मैं तो वो बात कर रहा हूं कि मोहसिन नकवी अपनी जगह तो नहीं देंगे ना मोहसिन हसन खान के लिए, उससे तो फिर आप किस पोजीशन पे अपने आप को सूटेबल और एप्रोप्रिएट समझते हैं? मैं वही जगह पे पोजीशन पे मैं आऊंगा जहां पे मैं चीजों को कंट्रोल कर सकूं। कौन सी जगह, वही तो जानना चाह रहा हूं। क्रिकेट कमेटी को हेड कर सकते हैं मोहसिन भाई, आपके पास पावरफुल क्रिकेट कमेटी होनी चाहिए। क्रिकेट कमेटी को मैं डोमेस्टिक क्रिकेट कमेटी को मैं हेड कर रहा था, लेकिन उसमें उन्होंने टेंटेड प्लेयर डाल दिया, मैंने कहा इनके साथ नहीं काम करूंगा मैं, और जब इनको आप हटाएं, जब उन्होंने कोई मजबूरी शो की तो मैं हट गया वहाँ से। देखिए अली, मैं आपसे एक बात कहूँ, मैंने आप लोग कहते भी रहते हैं, आप लोगों की बड़ी मेहरबानी है, आप हैं इफी है ने, दूसरे भी जो हमारे चाहने वाले, जिससे मुझे एक दिल को सुकून मिलता है कि मोहसिन खान ने पाकिस्तान का नाम बदनाम नहीं किया, ना ऑन द फील्ड ना ऑफ द फील्ड, ठीक है। तो मैं इस तरह अपना वो रखना चाहता हूँ, इसी तरह काम करूँगा, जाऊँगा उस पोजीशन पे जहाँ के मैं चीज़ें, फिर मुझे पता होगा मुझे चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी कौन लेके आना है, मुझे हेड कोच किसको लेके आना है, मुझे मेंटोर किसे बनाना है, मैंने मैनेजर किसे बनाना है। और जगह कि आप लोग जो कंप्लेन करते रहते हैं ना दिल की, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की, कि डोमेस्टिक क्रिकेट आप भी इफी भी एन भी सब कहते रहते, इसको तगड़ा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, आपको काम, आपको लगता है आपको जाएंगे तो आपका जो आपकी सोच है, जो आपके विचार हैं, जो आपके ख्याल हैं, आपको काम करने दिया जाएगा? क्योंकि मेरे एक शो में अतीकुज़्ज़मा ने कहा कि उन पे तो काला जादू कर दिया था। किन पे? अतीकुज़्ज़मा पे। नहीं नहीं, अब देखिए वो मैं यही तो मैं कह रहा हूं, मैं उस पोजीशन पे जाऊंगा जहां मैं चीजें कर सकूंगा। अब मैं जब चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं था, मैं जब हेड कोच बना मैं चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड नहीं था, लेकिन मैंने चेयरमैन को कॉन्फिडेंस में लिया, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, ना सिफारशी खेलेगा ना जुआरी खेलेगा, कुछ नहीं होने दूंगा, तो मुझे एक सपोर्ट मिली, मैंने किया। लेकिन अब मैं देखूंगा, मुझे अगर ऐसा मिला मैं हाजिर हूँ अपने। ऑफर हुई है? शॉर्ट कंसाइज बताया या नहीं बताया ना? देखिए ऑफर तो मैं लाजमी मतलब अवेलेबल हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड, तो आप कैरेट से तो है, ऑफर हुई है? वही देखिए, वो राइट मैन एट द राइट प्लेस में बिलीव करता हूँ, मैं उस जगह पर जाऊँगा जहाँ मैं समझता हूँ कि हाँ मैं तो जाएंगे। फिर मैं सवाल रिफ्रेश करता हूँ, एक बात में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो कह दूँ, जरूर कह दूँ,
इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की, खासतौर पे साउथ अफ्रीका की क्रिकेट आपको क्यों नज़र आती है ऊपर? इन दोनों की बात को मैं सेकंड कर रहा हूँ कि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को बड़ा तगड़ा किया, ठीक है। इंडिया की क्रिकेट क्यों इतनी ऊपर चली गई? 2020 में वन ऑफ द टॉप है ऑफ द वर्ल्ड, वन डे में वन ऑफ द टॉप है ऑफ द वर्ल्ड, टेस्ट क्रिकेट में वन ऑफ द टॉप है ऑफ द वर्ल्ड। वाई? बिकॉज उन्होंने कहा मेरिट का, पहले उन्होंने काम किया, मेरिट पे आएगा। विराट जैसे प्लेयर ऐसे ही नहीं निकलते, रोहित शर्मा जैसे प्लेयर ऐसे ही नहीं निकलते, और दूसरे मैं बड़े नाम ले सकता हूँ। तो ये कहने के लिए मैं आपसे कहूँगा, अपने जब इमारत के चार पिलर तगड़े होते हैं ना तो इमारत अच्छी बनती है। इमारत अच्छी होती है और मौसी भाई बड़ा अच्छा डक करते हैं। मौसी भाई एक बता चुका, मैं यूं भी छोड़ सकता हूँ और मैं यूं भी छोड़ सकता हूँ। ये सवाल इन्होंने इसी तरह से छोड़ा है जो मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूँ। आज एफी भाई, आज रमीज राजा कॉमेंट्री कर रहे थे और हारिस को कह रहे थे कि बाबर आजम से सीखना चाहिए और मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं जाके खुद खेलना सिखा दूँ। मतलब कॉमेंट्री में भी जो है अप्रिसिएशन और जो है वो तारीफें जो है वो बाबर आजम की रमीज राजा कर रहे हैं। आपको याद होगा इरफान पठान के लिए वो कह चुके हैं कि तुम्हारी कमर जो मुझे माधुरी जैसी माधुरी जैसी लगती है उनको। अच्छा, रमीश भाई का थोड़ा सा ये है कि यार वो मजाक करना चाहते हैं मगर भोंडा हो जाते हैं उनसे। और मुझे याद है सेमीफाइनल पाकिस्तान जीता T20 वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए। भाई आपका क्या काम है? सेरेमोनियल पोस्ट है आपकी यार, ठीक है। आपका क्या ताल्लुक है सिलेक्शन कमेटी, हेड कोच, कप्तान, खिलाड़ी, आपका क्या ताल्लुक है? मगर नहीं जी, बाबर ही क्रिकेट है, क्रिकेट ही बाबर है, ठीक है। सीरीज भले भले हार जाए, सीरीज भले देखो। अब वो वहां सवाल जो हुआ उनसे उस पर उनका जवाब सुनिए क्या है। हारिस में फ्लेयर है यार, रमीज राजा कह रहे हैं मोहम्मद हारिस, वो लड़का जिसकी टांगे ही फर्स्ट क्लास की नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि ख्वारी कितनी होती है, तौलिया पकड़ के कितनी देर खड़ा होना होता है, जूते कितने दिन साफ करने होते हैं एक मैच के लिए, उसको ख्वारी का अंदाजा ही नहीं है। वो आदमी पाकिस्तान खेल रहा है और आप नेशनल टीम में खेल रहा है और उसके बारे में रमीज भाई कह रहे हैं फ्लेयर है, ठीक है, बर्दाश्त कर लिया मैंने, फ्लेयर है। अभी हारिस ने दो दिन पहले बोला कि टॉप ऊपर जाके सेंचुरी मारने, हाफ सेंचुरी मारने में क्या मसला है, मैं भी मार सकता हूं मुझे मौका मिले तो। यानी कि उसने डिग्रेड किया बाबर के, रिजवान के और जो जो ओपनर खेल रहे हैं। मतलब हम T20 में 50 मारना कोई मसला ही नहीं है मेरे लिए, तो जमानी लंबी हो गई ना, कॉलर खड़े हो गए, क्रिकेट है नहीं आपके पास, तमाशा आपने थोड़ा सा कर दिया और आप क्रिकेटर बन गए और अपने आप को बड़े क्रिकेटर्स में शुमार करने लगे। तो यार ये जाती है, रमीज राजा टाइप के जो लोग होते हैं भैया वो अगर कमेंट्री करते रहे ना तो बर्दाश्त हो जाते हैं। इन पोस्टों पे आकर एक्स्ट्रा पावर देने के बाद उनको उनको ये पता हो कि अकाउंटेबल ही नहीं होंगे और जो मुंह में आए वो बोलते रहे यार, ये जाती है। मतलब रमीज भाई इतने बड़े क्रिकेटर नहीं थे जिनको इज्जत मिल गई 92 वर्ल्ड कप के बाद। यार भाई मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, अली मैं सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपने इन लोगों को पकड़ के रखना पड़ेगा, इनको इतनी TRP मत देंगे, इनके सवाल शामिल करें। ये रमीज भाई की बात कर रहे हैं, जब आप प्रूवन, जब आप जिता रहे थे पाकिस्तान टीम को, उस पर एक शोशा छोड़ा गया था कि आप क्वालिफाइड कोच नहीं है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं रमीज राजा साहब थे। ये लोग इन्वॉल्व थे मुझे पता है, लेकिन मैं देखिए मैं घटिया लोगों का नाम भी लेना पसंद नहीं कर सकता। मैं आपको सही बताऊं, मैं जहीर अब्बास का नाम ले लूँगा, मैं जावेद का नाम ले लूँगा, मैं माजिद खान का नाम ले लूँगा, मैं बड़े बड़े दूसरे और पे वसीम बारी का नाम ले लूँगा। ये इंटेग्रिटी के लोग हैं, इन्होंने क्रिकेट इज्जत से खेली है और मैं इस एरा में इन सब के साथ खेला हुआ हूँ, ठीक है। हमें मुझे ये वैल्यूज़ पता हैं कि वैल्यूज़ क्या होती हैं खेलने की। अब इफी जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि जो मुँह में आया बग दिया, और नहीं भाई, आप देखो किस पोजीशन पे हो, पोजीशन देख के, या तो आप इस काबिल नहीं थे कि आप पोजीशन पे गए, बैठा दिया गया, वो छोड़ दे ना शीशे में छोड़ दे अगर उसको, तो फिर शुरू हो जाता है भौंकना। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप, मैं इसी वजह से कह रहा हूँ मैं जाऊँगा अली, तो मैं ऐसी जगह जाऊँगा। और जो अभी इफी ने एक और बात कही थी कि वो सिलेक्शन पे बात कर रहे हैं, जब आपने एक को चीफ सेलेक्टर बना दिया है, दे दें उसको जिम्मेदारी और मुझे रिजल्ट चाहिए एक साल के अंदर, अगर नहीं दिया तो वहाँ मैं आपको आपने दिया भी है। एंड एंड ये भी जो जा रहे हैं मोहसिन नकवी, आपको लगता है चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो सकेगी? मुलाकात तो आप जैसे मैं मालूम है जयशा तो आ ही नहीं रहे, मुलाकात हो सकेगी और मोहसिन नकवी साहब का दौरा जो फ्रूटफुल होगा? देखिए मोहसिन नकवी साहब तो वहाँ पे अपना वो एक अपनी वजह से भी जा रहे हैं, क्योंकि वो दो ओहदे रखना चाह रहे हैं, तो वो परमिशन भी लेना चाह रहे हैं आईसीसी से कि मैं दो कश्तियों का सवार बनना चाह रहा हूँ, मैं बनूँ या ना बनूँ, तो वो ये भी इसके अंदर मकसद है। लेकिन जहाँ पर आप दाखिला जो है वो दाखिला करा सकेंगे इंडियन टीम को पाकिस्तान में, ये बताएं? मुश्किल है जनाब, एक चीज क्यों नहीं हो सकती चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान? नहीं हो तो सकती है सर, वो इंडियन टीम का आना अच्छी रिलेशनशिप अच्छी देखिए, और पाकिस्तान इंडिया का मसला जो होता है ना कभी क्रिकेट बोर्ड के दरमियान नहीं होता, वो गवर्नमेंट के दरमियान होता है, गवर्नमेंट की अप्रूवल चाहिए होती है। इंशाल्लाह ताल्लुकात तो अच्छे होंगे तो जरूर होगी, बिल्कुल होनी चाहिए। और ऐसे लोग चाहिए भी हैं जो इंडिया में मोहब्बत भी बांट कर आए, क्यों मोहसिन भाई? बिल्कुल
ठीक है जनाब, ऐसे लोग चाहिए क्रिकेट बोर्ड में जो इंडिया में मोहब्बतें भी बांट कर आए। और कल हमारे लेजेंड की जो है वो बर्थडे, हम सब मिलके फिर भाई हम सब मिलके जो है सेलिब्रेट करेंगे अपने लेजेंड की बर्थडे को इंशाल्लाह। कल मौसम आएंगे तो यहाँ केक कटिंग भी होगी, लेकिन चूंकि 12 बजे हमारे लेजेंड की बर्थडे, हमारे जो लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की बर्थडे, हम सब मिलके यहाँ पे पहले थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे इनके लिए कहेंगे, इनको हम जो है विश करेंगे, उसके बाद मुझे शो को वाइंड अप भी करना। सर 1 2 3 हैप्पी बर्थडे टू यू भाई, और इंशाल्लाह जब तक क्रिकेट है दुनिया में आप इंस्पायर करते रहेंगे। ऑलराइट, और मैं अपना बड़ा ब्लेस समझता हूं आपको, बहुत थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का मेहरबानी। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा जब तक अपने मुल्क के लिए काम करूंगा अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। और मैं भी जिस तरह मेरे दोनों दोस्तों ने कहा, नुज़ैरा ने, एफी भाई ने कहा, मैं भी अपने को बड़ा ब्लेस फील करता हूं कि इस होस्टिंग की वजह से, इस क्रिकेट की मोहब्बत की वजह से, इस क्रिकेट के प्रोफेशन की वजह से आज हम इस काबिल हुए मोहसिन भाई जैसे शख्सियत के साथ जो स्टूडियो को शेयर कर रहे हैं। वरना ये वो शख्सियत है कि जिनको टीवी पे देखना भी हमारे लिए बड़ा एक एजाज है कि बात होती थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे शो को हमेशा रौनक बख्शना, अल्लाह ताला को जिंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरह के आप कई हजार बर्थडे सेहत और सलामती के साथ सेलिब्रेट करते रहे। कल इंशाल्लाह आप अपने जो स्टाइलिश ओपनिंग बैट्समैन है लॉर्ड्स ऑफ लॉर्ड्स की बर्थडे को भी यहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन आज चुके 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो गया था इसलिए अभी हमने आज वर्बली जो इनको विश कर दिया। आज तक के लिए इजाजत दीजिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।